सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कॉलेज इन बैंगलोर. तो मैंने टॉप 5 कॉलेज का लिस्ट मैंने होता है प्लेसमेंट को एनालाइज करके बनाया हुआ है. सो ये वीडियो फुल होने वाला है प्लेसमेंट को एनालाइज करके वीडियो. इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 कॉलेज के बारे में. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ यू वांट एन एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ बैंगलोर, मेक श्योर यू हैव टू ज्वाइन माय ग्रुप. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहां पर जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. If you want counseling related to any college of Bangalore, so तुम मेरे description में जा सकते हो. और वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट है, तुम वहाँ पे जाके होता है enroll भी कर सकते हो. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो मैंने टॉप 5 कॉलेज का यहाँ पे लिस्ट बनाया और उसके हिसाब से टॉप 5 कॉलेज में आता है BIT, मीन्स बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसका NIS अभी कुछ नहीं दिया गया है. अगर मैं यहाँ की एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 7.5 LTA का यहाँ पे एवरेज पैकेज है. और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 37.5 LTA का हाईएस्ट पैकेज है. अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो 5 एकर्स का होता है, छोटा सा कैंपस है, इट्स डिसेंट ओनली, बट यहाँ पे पैकेज वगैरह सही मिल जाते हैं. तो अब हम बात करते हैं टॉप 4 के कॉलेज के बारे में. तो टॉप 4 पे मैंने रखा है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. मैंने हाल में ही वहाँ पे जाके एक ब्लॉग बनाया है. इफ यू वांट एनी ब्लॉग तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से होता है ब्लॉग देख लेना BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का. अगर मैं बात करूँ इसका NIRF रैंकिंग का, तो अभी अपडेटेड NIRF रैंकिंग है 101 इस NIRF रैंकिंग का. अगर मैं बात करूँ कैंपस का तो 11 एकर्स का कैंपस है. अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज का तो एवरेज पैकेज 9.5 LPA का एवरेज पैकेज है. और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 45 LPA का हाईएस्ट पैकेज है. तो ये था सर टॉप 4 का कॉलेज. अब हम आते हैं टॉप 3 के लिस्ट पे. अगर मैं बात करूँ टॉप 3 पे कौन कॉलेज आता है, तो टॉप 3 पे आता है MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MSRIT. अगर मैं बात करूँ इसका NIRF रैंकिंग का, तो सब बैंगलोर के कॉलेज में सबसे अच्छा इसी का NIRF रैंकिंग है, 78 है. अगर मैं बात करूँ इस कैंपस के एकर्स का, तो 50 एकर्स का इसका कैंपस है, सबसे बड़ा कैंपस है यहाँ पे बैंगलोर में MS रमैया का. अगर मैं बात करूँ यहाँ का एवरेज पैकेज का, तो 9 LPA का यहाँ पे एवरेज पैकेज सबको लग जाता है. और अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज का, तो 50 LPA का हाईएस्ट पैकेज लग जाता है. ठीक है, तो ये कैंपस भी बहुत सही है, मैंने विजिट किया है और बहुत जल्दी इसका ब्लॉग भी आने वाला है. इफ यू वांट ब्लॉग तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक है वहां से होता है इसका, आप इसका ब्लॉग भी देख सकते हो. अब हम बात करने वाले हैं टॉप 2 के कॉलेज का. और अभी मैं जिस कॉलेज में खड़ा हूँ, ये टॉप 2 कॉलेज है इन बैंगलोर, PES यूनिवर्सिटी. एंड PES यूनिवर्सिटी इज द टॉप 2 कॉलेज ऑफ बैंगलोर. तो इसे मैंने टॉप 2 पे इसलिए रखा कि इसका NIRF रैंकिंग 83 है, कैंपस 30 एकर्स का है. और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ, 11 टू 12 तक का होता है, आपको एवरेज पैकेज देखने में यहाँ पे मिल जाता है. और अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज का, तो हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़ का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है. तो अगर आप जो PES में एडमिशन लेते हो, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सही है, आप आ सकते हो PES में बेझिझक. तो इसीलिए मैंने इसको रखा टॉप 2nd पे. अब आते हैं टॉप 1st के कॉलेज पे. और अगर मैं बात करूँ टॉप 1st पे कौन सा कॉलेज है, आप सबको पता है RBC, RB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. मैंने इसे टॉप पे इसलिए रखा है कि इसका NIRF रैंकिंग 96 है. और इसका अगर मैं बात करूँ कैंपस, तो कैंपस डिसेंट है, 16 एकर का आसपास का कैंपस है, छोटा सा कैंपस है. और अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज का, तो 15.8 LPA का यहाँ पे एवरेज पैकेज है. तो मैंने इसको फर्स्ट पे इसलिए रखा कि मैं सबका एवरेज पैकेज देख रहा हूँ, और जिसका भी एवरेज पैकेज ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा लोगों को एवरेज पैकेज लगने वाली है, उसके हिसाब से मैंने इसकी प्रायोरिटी सेट करा है. तो इसका एवरेज पैकेज 15.8 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 63 LPA है. तो ये था टॉप 5 कॉलेज ऑफ बैंगलोर. आई होप आपको बहुत पसंद आया हो आज का 5 कॉलेज ऑफ बैंगलोर का सेशन. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय.